भारत के चार रहस्यमय मंदिर जहां पर होते हैं अद्भुत चमत्कार। यूं तो पूरे भारतवर्ष में न जाने कितने मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी एक अलग विशेषता है। किसी भी मंदिर के पीछे कोई ना कोई कहानी अवश्य छुपी होती है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को खबर भी रहती है। लेकिन अब भी भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कि रहस्यों से भरे पड़े हैं। वहां पर होने वाले चमत्कार को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही चार रहस्यमय मंदिरों के बारे में जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। काल भैरव मंदिर। काल भैरव का मंदिर उज्जैन शहर में स्थित है। भगवान को आपने प्रसाद में मिठाई चढ़ाते हुए तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भगवान को प्रसाद में शराब चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि भगवान की मूर्ति के सामने अगर आप मदिरा रखते हैं तो मदिरा से भरी प्याली अपने आप खाली हो जाती है। ये शराब कैसे गायब हो जाती है अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। मान्यता है कि अगर आप शराब चढ़ाएंगे तो आपकी सारी बुरी आदतें भगवान के पास ही रह जाएंगी। पहले के समय में यहाँ तांत्रिकों को ही आने दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान को शराब चढ़ाने के लिए लगी रहती है। दूसरे नंबर पर आता है तिरुपति बालाजी का मंदिर। लोग कहते हैं कि यहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं। उनके बाल बेहद मुलायम और कभी भी आपस में उलझते नहीं। लोगों का मानना है कि ऐसा होने की वजह स्वयं वेंकटेश्वर स्वामी का वहां विराजमान होना है। अगर आप मूर्ति पर कान लगाकर सुनेंगे तो आपको समुद्र की लहरें सुनाई देंगी और इस वजह से भगवान की मूर्ति में हमेशा नमी बनी रहती है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे आपको दाईं तरफ एक छड़ी रखी हुई दिखाई देगी। बताया जाता है कि जब भगवान छोटे थे तो उनकी पिटाई इसी छड़ी से हुई थी जिससे कि उनकी ठोड़ी पर चोट आ गई थी। उस घटना के बाद से लेकर आज तक भगवान की ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाकर उनके घाव को भरा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ मंदिर। इस मंदिर में कई तहखाने हैं और छठा तहखाना आज भी एक रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि 1908 में जब कुछ लोगों ने इस तहखाने को खोलने की कोशिश की तब उन्हें कई सिरों वाला एक किंग कोबरा बैठा हुआ मिला जिसके चारों तरफ नागों का झुंड था। उसके बाद लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। दरअसल इस किंग कोबरे को खजाने का रक्षक बताया जाता है। ज्योतिष कहते हैं कि तहखाना खोलने की कोशिश करने से पहले नाग की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आप जानकर अचंभित रह जाएंगे कि पांचों तहखाने से अब तक 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा की दौलत बरामद हो चुकी है। चौथे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर देवी का मंदिर। इसे मैहर देवी का मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि मैहर का अर्थ है माँ का हार। पूरे भारत में ये माँ शारदा का इकलौता मंदिर है। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ आल्हा और उधल नाम के दो युवकों का युद्ध हुआ था। वो दोनों भी माँ शारदा के बहुत बड़े भक्त थे। माँ के मंदिर की खोज जंगलों के बीच इन्होंने ही की थी और तब से इसे माँ शारदा का मंदिर कहा जाने लगा। लोगों का मानना है कि हर रोज आज भी आल्हा और उधल ही सबसे पहले माँ के दर्शन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।